क्या परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही लीक हुआ बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ्स का क्वेश्चन पेपर? क्या मैथ्स की परीक्षा फिर से करवाई जाएगी? इन सब खबरों की विस्तार से चर्चा होने वाली इस वीडियो में, इसीलिए इसे अंत तक देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सब के एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ्स का प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ में। अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम सबको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का एक रुपया भी नहीं लगता। और चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो भविष्य में अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। इसीलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल एग्जाम सबको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बिहार बोर्ड क्लास 12 की परीक्षा अब सम्पन्न हो चुकी है, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल कुल 432 छात्रों को परीक्षा से निष्कासित किया गया है। और 26 छात्रों को तो केवल इसलिए परीक्षा से निष्कासित किया गया है क्योंकि वह किसी और के बदले एग्जाम देने आए थे। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट की माने तो बिहार बोर्ड ने दावा किया कि इस साल हर 25 विद्यार्थी पर उन्होंने एक इन्विजिलेटर को नियुक्त किया है, और परीक्षा सेंटर के 200 मीटर के रेडियस में धारा 144 लगाने का भी प्रावधान किया है, ताकि बिहार बोर्ड इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा करवा पाए। लेकिन क्या इतने सारे तामझाम के बाद भी बिहार बोर्ड कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने में सफल हो पाई? तो क्लास 12 के संदर्भ में तो शायद कहा जा सकता है कि बिहार बोर्ड अपने इस मिशन में सफल हो पाई, लेकिन क्लास 10 की परीक्षा अभी पूरी तरह से संपन्न भी नहीं हो पाई। और एक चौंकाने वाली खबर आ चुकी है, 25 फरवरी 2019 यानी कि आज बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ्स का एग्जाम था, और परीक्षा शुरू होने के ठीक आधे घंटे पहले रिपोर्ट आई कि बिहार बोर्ड के क्लास 10 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है और वह सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परीक्षा शुरू होने के ठीक आधे घंटे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और उसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, और छात्र परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही क्वेश्चन लेकर और उसे सॉल्व करते हुए दिखाई दिए। जब बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर लीक होने के संदर्भ में मीडिया ने बिहार बोर्ड के ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने यही बताया कि अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है और इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी जब बिहार बोर्ड की परीक्षा संपन्न होगी। और अगर बोर्ड पाती है कि वाकई में मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो वह इस पर अपना फैसला सुनाएगी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैथ्स का सारा क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में अवेलेबल है, और ऑफिशियल बिहार बोर्ड के ऑफिशियल ने भी यही कहा कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और जिसे कहा जा रहा है कि वह इस साल का क्वेश्चन पेपर है, उसे इस साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैच किया जाएगा, और जो क्वेश्चन पेपर वायरल है और जो बिहार बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अगर उनमें समानता पाई गई तो फिर बिहार बोर्ड इस पर अपना निर्णय सुनाएगी। बीते सालों बिहार बोर्ड की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है, चाहे टॉपर के सिंपल सवालों का जवाब ना देना हो या फिर बिहार बोर्ड में चीटिंग का मुद्दा हो। कदाचार के कारण ही बिहार बोर्ड में व्यापक बदलाव किए गए, सुरक्षा बढ़ाई गई और इस कदर बढ़ाई गई कि इस बार परीक्षार्थियों के जूते और मोजे भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही उतरवा लिए गए। लेकिन इतने तामझाम के बाद भी अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है तो बिहार बोर्ड को अब आत्ममंथन भी करना चाहिए। बिहार बोर्ड क्या फैसला लेती है यह तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार बोर्ड क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन शुरू होने के आधे घंटे पहले ही लीक हो चुका है। अब री एग्जामिनेशन होगा, क्या परीक्षा फिर से ली जाएगी, इस पर बिहार बोर्ड अपना फैसला जल्द सुना देगी, और उनका जो भी फैसला होगा वह हम अपने चैनल पर आपको अवश्य बताएंगे। अंत में बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्रों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वह अपने आप को र्यूमर से दूर रखें। बिहार बोर्ड मैथ्स की परीक्षा फिर से करवाएगी या नहीं करवाएगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो परीक्षाएं अब भी बची हुई हैं
आपका ध्यान अब केवल उन परीक्षाओं पर होनी चाहिए। मैथ्स की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी यह टेंशन आपका नहीं, बिहार बोर्ड का है। इसीलिए मैथ्स के पेपर की टेंशन में कहीं बाकी के बचे हुए पेपर खराब ना हो जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। री एग्जामिनेशन का फैसला इतना आसान नहीं होता और छात्रों के लिए भी यह मुश्किल होता है। जिनकी परीक्षाएं अच्छी गई होंगी और जिन्होंने चीटिंग भी नहीं किया उनको तो यही लग रहा होगा कि हमने इतने अच्छे से एग्जाम दिया और क्या होगा जब फिर से री एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसीलिए अभी इस न्यूज़ में आपको सिर्फ यही जानना है कि खबर आई है लीक होने का, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और जब तक किसी भी न्यूज़ की पुष्टि ना हो, बिहार बोर्ड खुद ना माने कि हाँ वाकई में मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तब तक आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए कि मैथ्स का री एग्जामिनेशन होगा। तो जो भी एग्जामिनेशन आपका बचा हुआ है उसके लिए ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि भविष्य में जो भी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यूज आएगी, मैथ्स की री एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी या बिहार बोर्ड से जो भी आने वाले दिनों में खबर आएगी, हम आपको उन सारे खबरों से अपने चैनल पर सबसे पहले सटीकता के साथ अवगत कराएंगे। धन्यवाद।